आपने धर्म परिवर्तन के तो बहुत मामले सुने होंगे, लेकिन ये मामला आपको हैरान कर देगा। दरअसल हिमाचल के कांगड़ा से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें दो लोग धर्म परिवर्तन करा रहे थे। क्या है पूरी खबर इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9। हिमाचल के कांगड़ा की विधानसभा जवाली में एक ग्राम पंचायत पड़ती है सिद्धपुर घाट, जिसमें धर्म परिवर्तन का मामला उजागर हुआ है। पंचायत के लोगों ने वार्ड नंबर 3 के दो लोगों के खिलाफ धर्म परिवर्तन करवाने की शिकायत की है। बताया जा रहा है कि ये लोग लंबे समय से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे और हिंदू धर्म के लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तन कराते थे, जिसके बाद हिंदू संगठनों के लोगों ने इनको पकड़ लिया और मामले को लेकर भारी विवाद हो गया। इस दौरान पंचायत घर में स्थानीय लोगों ने खूब हंगामा किया और आरोपियों को जमकर खरी खोंटी सुनाई। वीडियो में देखा जा सकता है कि पंचायत में मौजूद कुछ लोग उन्हें चेतावनी भी देते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि दोबारा ईसाई धर्म का प्रचार किया तो आपका बंदोबस्त किया जाएगा। हाँ, बंद करके। कोई नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई इशू नहीं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म पे आप लोग जो गुंठली मारने के चक्कर में हो ना, वो नहीं होगा इधर। हाँ, बनाना तो बड़ा जरिया बना और बनाना भाई। हाँ, सिद्धपुर घाट में जाए नहीं होगा, क्योंकि सिद्धपुर घाट के लोग बोलते नहीं है। जब बोलने पे आते हैं ना, फिर वो छोड़ते नहीं है। वही हंगामा जब ज्यादा बढ़ गया तो पंचायत प्रधान को पुलिस बुलानी पड़ गई और पुलिस ने मौके पर आकर मामला शांत कराया। वहीं जवाली के थाना प्रभारी प्रीतम जरवल के मुताबिक धर्म परिवर्तन कराने वाले कुछ लोगों की शिकायत मिली है, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बहरहाल जांच में क्या निकल कर आता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन हिमाचल में लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे धर्म परिवर्तन करवाने से भी नहीं चूक रहे। यही वजह है कि इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।